भोजपुरी सितारे और सिनेमा धीरे धीरे अब अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई भोजपुरी सितारे एक साथ इकट्ठा हुए। इस दौरान 5 फिल्मों का मुहूर्त भी किया गया। भोजपुरी सिनेमा जगत के कई बड़े स्टार्स लखनऊ में शिरकत करते हुए दिखाई दिए। इनमें अभिनेता और सांसद रवि किशन, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, खेसारी लाल यादव, प्रदीप पांडे, अरविंद अकेला कल्लू भी मौजूद रहे। गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी सिनेमा के बड़े चेहरे रवि किशन ने इस दौरान अपनी बातें को रखी। उन्होंने कहा कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। यूपी में आज 5 फिल्मों का मुहूर्त एक साथ किया गया है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। सभी फिल्में एक से एक हैं, इन्हें दर्शक भी खूब पसंद करेंगे। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि यह सभी फिल्में भोजपुरी सिनेमा को एक नए आयाम दिलाएंगी। इनकी रिलीज मिल का पत्थर साबित होगी। अन्य सभी लोगों ने इस पर खुशी जताई है। बताएं आपको कि इस कार्यक्रम का नाम ग्रैंड मुहूर्त दिया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी सितारों को बधाइयां दी है। इस कार्यक्रम में 5 अलग अलग फिल्मों का भव्य मुहूर्त लखनऊ स्थित लेमन ट्री होटल में किया गया। इन फिल्मों में हिंदुत्व, फसल, अस्तित्व, सन्यासी और जानेमन 2 शामिल है। भोजपुरी सिनेमा ही नहीं, बॉलीवुड और अलग अलग जगहों पर बन रही वेब सीरीज के लिए उत्तर प्रदेश सबसे लोकप्रिय जगह है। यहां सरकार की तरफ से भी सिनेमा को बढ़ावा मिल रहा है। प्रशासन शूटिंग के दौरान हर तरीके की मदद करता है। अभी कुछ दिन पहले ही अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और अभिनेता रणदीप हुड्डा भी लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। इसके अलावा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इन दिनों प्रदेश में अपने नई फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। यह बहुत बड़ी बात है कि एक साथ 5 फिल्मों का मुहूर्त, भोजपुरी फिल्मों का मुहूर्त किया गया और कई दिग्गज उसमें शामिल रहे। तस्वीरों में आप साफ तौर से इसे देख सकते हैं। फिलहाल आज की भोजपुरी खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक तड़कते भड़कते भोजपुरी खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंट मीडिया को बताओ कि अभी उनका वहीं से हम आ रहे हैं उनके घर से। उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा को अच्छा सिनेमा बनाना बहुत जरूरी है। ये उन्होंने एक आशीर्वाद के रूप में मुझे बताया। मैंने बोला नहीं, ये टाइम स्क्रिप्ट पे बहुत काम। बोले नहीं, आप लोगों से उम्मीदें बहुत है, आप लोगों की फैन फॉलोइंग बहुत है।